सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर एक्स माइनस वन प्लस मॉड के अंदर एक्स प्लस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. यानी कि हमें ये शो करना है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो इन दोनों के दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, तो सबसे पहले हमें इस मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के अंदर. मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपके पास मॉडुलस फंक्शंस दिए हो इस तरीके से, देन आप लोग क्या किया कीजिए, देन आप लोग इनपुट वाली चीज़ को इक्वेट कर दीजिए जीरो से एंड एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड कीजिए. एक्स की वैल्यू आपके पास है ये वन, इनपुट वाली चीज़ को इक्वेट कर दीजिए जीरो से एंड एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड कीजिए. एक्स की वैल्यू आपके पास आई है माइनस वन. देन ध्यान से देखिए आपके पास जो रियल लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी मेनली. माइनस वन यहाँ है, वन यहाँ है, तीन सब इंटरवल्स के अंदर. इसका मतलब आपका फंक्शन भी ब्रेक हो जाएगा तीन डेफिनेशंस के अंदर. ओके, एक डेफिनेशन आपके पास होगी एक्स लेस देन माइनस वन की, एक डेफिनेशन आपके पास होगी माइनस वन से वन के बीच की, एंड एक डेफिनेशन आपके पास होगी एक्स ग्रेटर देन वन की. मैंने आपसे कहा था जहाँ भी एक्स आपको ग्रेटर देन दिखे वहाँ पे आप इक्वल टू साइन लगा दिया कीजिए, हालांकि ऐसी कोई हमारे पास रूल नहीं होता. ओके, सो ध्यान से देखिए. अब आपको देखना है मेनली कि जब आपका एक्स इसमें से किसी में भी लाई करेगा देन आपका फंक्शंस नेगेटिव डेफिनेशन को फॉलो करेंगे या फिर पॉजिटिव डेफिनेशंस को फॉलो करेंगे. ओके, सो मान लीजिए अभी आप लोग इस इंटरवल को एनालाइज कर रहे हैं और आपने पुट कर दिया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू. देन मैंने कहा था कि आप एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू को इसके अंदर पुट करके देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा. माइनस टू माइनस वन होता है माइनस थ्री, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है. इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का नेगेटिव डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ठीक है, प्लस. ओके, अगर आपने माइनस टू यहाँ पुट किया तो आपके पास आएगा माइनस टू प्लस वन, जो कि होता है माइनस वन, यानी कि अगेन नेगेटिव. यानी कि ये डेफिनेशन भी अपनी नेगेटिव डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा. ओके, नाउ आप लोग इसी इंटरवल के बीच में से कोई एक पॉइंट पिक कर लीजिए. लेट्स से आप लोगों ने जीरो पिक कर लिया, जीरो को आपने पुट किया इसके अंदर, तो आपके पास आएगा जीरो माइनस वन इज माइनस वन, जो कि नेगेटिव होता है. नेगेटिव का मतलब ये डेफिनेशन आपकी फॉलो करेगा नेगेटिव डेफिनेशन को. प्लस जीरो यहाँ पुट कीजिए आप लोग, तो जीरो प्लस वन होता है वन, वन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये डेफिनेशन आपकी फॉलो करेगा पॉजिटिव वाली. ओके, देन आप लोग पुट कीजिए इस इंटरवल का कोई नंबर. लेट्स से आप लोगों ने टू पुट कर लिया, टू माइनस वन होता है वन, जो कि पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और टू प्लस वन होता है थ्री, यानी कि जो पॉजिटिव है ये भी हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव में. यानी कि आपने सक्सेसफुली अपने एफ एक्स फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. चलिए हल्का सा हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास सिंपली हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस माइनस वन, दिस विल बिकम ओनली माइनस टू एक्स जब आपका एक्स लेस देन माइनस वन होगा. यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिंपली आएगा टू. तो जो आपके पास होता है माइनस वन से जब बड़ा होगा एक्स, वन से छोटा होगा तब के लिए, एंड यहाँ पे आपके पास सिंपली आएगा 2x. इसको करने का आप लोगों ने शॉर्टकट भी देखा था मेरे साथ, बट क्योंकि हम लोग अभी सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोग सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग काम कीजिए. रीडिफाइन करना आपको दिखाना आना चाहिए, तो इसलिए आप लोग इस तरीके को फॉलो कीजिएगा. शॉर्टकट के माध्यम से हम इसको महज दो सेकंड में इसका डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ आप लोगों ने इसे ग्राफ बनाना भी सीखा हुआ मेरे साथ 11th क्लास में. अगर आप इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे माइनस वन यहाँ आएगा, वन यहाँ पर आएगा. और मैंने सिखाया था ऐसे क्वेश्चन की मेनली शेप बनती है वो आती है बकेट शेप के अंदर. ओके, तो ये रहा इसका ग्राफ. आप देखेंगे ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट, ये भी आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट. हम सबको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी हमारी कॉर्नर पॉइंट्स पे नहीं एग्जिस्ट करती. इसका मतलब ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे एंड x इज इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल तो नहीं होने वाला. ये हमने एनालाइज कर लिया इसको ग्राफ के मीडियम से. ओके, बट हमें शो करना है मैथमेटिकली, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. ओके, सो ध्यान से देखिए हम लोग मेनली चेक कर रहे हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू वन पे. सो यहाँ पे हमें मेनली चेक करना है क्या, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू वन. तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा f ऑफ वन प्लस एच माइनस में f ऑफ वन होल डिवाइडेड बाई h. अब ध्यान से देखिए जब आप लोग वन पे चेक कर रहे हैं और आपने अगर वन में कोई स्मॉल नंबर ऐड किया है तो आपका फंक्शन एक्चुअल में फॉलो किसको करने वाला है. ये है आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन, ये है आपके पास सेकंड डेफिनेशन, और ये है आपके पास थर्ड डेफिनेशन. वन में अगर आपने कोई चीज़ ऐड करी है स्मॉल तो आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी थर्ड वाली. थर्ड वाले में जहाँ जहाँ भी एक्स है आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे वन प्लस एच. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दिस विल बिकम टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एच
एंड देन माइनस में एफ ऑफ वन का मतलब कहाँ पे आपका एक्स इक्वल्स टू वन है, तो एक्स इक्वल्स टू वन भी आपका फंक्शन यहाँ पर है. इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास सिंपली टू इंटू वन यानी कि टू होल डिवाइडेड बाई एच. ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आपके पास आएगा. ये हो जाएगा आपके पास टू प्लस में टू एच माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एच. ओके, टू से टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद आप लोग यहाँ पे एच से एच को भी काट सकते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दिस विल बिकम सिंपली टू. एच कुछ पुट करने के लिए है नहीं आपके पास, तो ये सिंपली आंसर आएगा आपके पास टू. नाउ आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी फाइंड करना. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू वन आप लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एल एफ डैश वन निकालेंगे. तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस में एफ ऑफ वन होल डिवाइडेड बाई माइनस एच. आप लोग वन से एक छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं उसमें से पॉजिटिव नंबर, तो आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, यानी कि डेफिनेशन आपकी फॉलो करेगी सेकंड वाले. सेकंड का मतलब ये है टू. अब जहाँ जहाँ भी इसके अंदर एक्स होगा वहाँ आपको पुट करना पड़ेगा वन माइनस एच, बट यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपली एक्स है नहीं, तो ये सिंपली डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिस विल बिकम ओनली टू बिकॉज एक्स कुछ पुट करने के लिए है नहीं यहाँ पे. माइनस में एफ ऑफ वन कितना है आपका, तो एफ ऑफ वन आपका लाई करेगा इसके अंदर, जो आपके पास आएगा टू इंटू वन यानी कि टू एंड होल डिवाइडेड बाई एच. तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये आपके पास हो जाएगा जीरो अपॉन में एच. आपको पता है जीरो अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो वो होती है सिंपली जीरो. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और सिंपली यहाँ पे जीरो. एच कुछ पुट करने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा जीरो. ओके, नाउ ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है टू. आप बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर एफएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट व्हाट एक्स इज इक्वल्स टू वन, यानी कि हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, हमने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया कि हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू वन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. नाउ हमारा मेन टास्क है डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज करना एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो हम लोग चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट माइनस वन. तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दिस विल बिकम एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच माइनस में एफ ऑफ माइनस वन होल डिवाइडेड बाई सिंपली एच. अब देखिए माइनस वन में से आपने यहाँ प्लस होगा सॉरी माइनस वन में से आपने कोई स्मॉल नंबर ऐड किया है. माइनस वन में अगर आप कोई स्मॉल नंबर ऐड करेंगे तो आप आएंगे सेकंड डेफिनेशन के अंदर, जो है सिंपली आपके पास टू. और इस टू के अंदर जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको माइनस वन प्लस एच. बट यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स नहीं था, इसका मतलब ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. ये हमारे पास हो जाएगा टू माइनस में एफ ऑफ माइनस वन. एफ ऑफ माइनस वन के लिए आपका डेफिनेशन फॉलो होगा यही वाला बिकॉज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन यहीं पर है. तो ये आपके पास सिंपली हो जाएगा टू अगेन एंड दिस इज बिकम एच. तो इसको आप बोल सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आपके पास हो जाएगा जीरो बट्टे एच. जीरो अपॉन एच का मतलब होता है सिंपली जीरो. तो आप इसको बोल सकते हैं इसका भी आंसर हमारे पास कितना आएगा, जीरो, यूजिंग दिस सेम स्टेप. ओके, अब ध्यान से देखिए हमारा मेन टास्क है अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मान लीजिए हम लोगों ने इसको रब कर दिया यहाँ से. ओके, इसको भी रब कर देते हैं हम लोग. ध्यान से देखिए प्लीज़, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पे. तो इसके लिए हम लिखना पड़ेगा एल एफ डैश वन इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच माइनस में एफ ऑफ माइनस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस का एच. ओके, ना आपको एनालाइज करना है कि फंक्शन की डेफिनेशन कौन कौन से इस्तेमाल होने वाली हैं. जब आप माइनस वन से जस्ट एक वैल्यू कम करेंगे माइनस में, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास आएगा ये यहाँ पे हो जाएगा आपके पास. आप लोग यहाँ पे लाई करेंगे, इसका मतलब डेफिनेशन आपके फॉलो करेगी ये वाली. इसमें जहाँ जहाँ भी आपके पास एक्स होगा वहाँ आपको पुट करना पड़ेगा माइनस में वन माइनस एच. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम माइनस में टू टाइम्स ऑफ माइनस वन माइनस एच एंड देन माइनस में एफ ऑफ माइनस वन का मतलब आप लोग फॉलो करेंगे इस टू को होल डिवाइड बाई आपके पास आएगा माइनस एच. ओके, मैं बाकी सब पार्ट को यहाँ से रब कर देता हूँ. ओके, नाउ ध्यान से देखिए अब, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम टू प्लस में टू एच माइनस टू एंड देन माइनस में एच. ओके, टू से टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एच से एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा.
ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम ओनली माइनस का टू। ओके नाउ इसको आप बोल सकते हैं एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली माइनस टू ही आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन आपके पास माइनस टू आ रहा है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास सिंपली जीरो आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर व्हाट देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है हमारा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन होगा। ओके तो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी इस चीज़ को प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू वन पे एंड x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।